टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामड़ी की गोली मारकर कल हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात दो बदमाश एक व्यक्ति को साथ लेकर जो सुखदेव गोगामड़ी के विश्वास पात्र थे, उनका विश्वास हासिल कर उनके घर पहुंचे, 10 मिनट उनसे बात की और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आपको बता दें, इस मामले में पूरा देश का सकल हिंदू समाज, राजपूत समाज, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सैनिक, उनके कार्यकर्ता सब बेहद आक्रोशित हैं और ये आक्रोश मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में भी दिखाई दिया, जो जिले भर से आए हुए सकल हिंदू समाज, सनातन समाज के लोगों ने दिखाया। दरअसल आज स्टेडियम ग्राउंड पर सर्व हिंदू समाज और सर्व राष्ट्रीय समाज के 36 बरादरी के लोग एकत्रित हुए, उन्होंने एक पैदल मार्च निकाला, कलेक्ट्रेट तक गए, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार और राजस्थान सरकार को चेतावनी दी। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, राजस्थान पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, इसके नारे लगाए गए। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा युवाओं में दिखा। भील समाज हो अथवा वाल्मीकि समाज हो अथवा कुणबी पटेल हो, गुर्जर पटेल हो, ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, इसके अलावा प्रत्येक हिंदू समाज के नागरिक यहाँ पहुँचे थे, इस आक्रोश में सम्मिलित हुए। उन्होंने सबने अपनी अपनी बात कही और सुखदेव गोगामड़ी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, इस दौरान QRF सहित स्थानीय प्रशासन, SDM सहित CSP अरविंद सिंह तोमर, कोतवाली थाना प्रभारी सहित पुलिस फोर्स इस दौरान मुस्तैद रहा। यह एक ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी थी, ऐसा सभी लोगों का कहना था कि आज ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बाद जैसा कि आदेश जयपुर से आएगा वैसा तत्काल प्रभाव से किया जाएगा और जिस तरह के आंदोलन को लेकर आदेश आएगा वैसा आंदोलन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमेशा सुखदेव गोगामड़ी ने केवल राजपूत समाज ही नहीं अपितु महिला और सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की उन्होंने मांग की, हमेशा सनातन समाज को जोड़े रखने के लिए उन्होंने प्रयास किया और ये जो हत्या है वो सनातन समाज को एकजुट करने वाले एक आंदोलनकारी की हत्या है, ऐसा उन्होंने कहा। आइए एक एक करके सुनवाते हैं। कलेक्ट्रेट में चेतावनी और ज्ञापन सौंपने के बाद विभिन्न मौजूद गणमान्य नागरिकों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी, सुनवाते हैं। अनूप भाई को आ जाना, अनूप खुराना जी, हाँ मैं हूँ, इधर आ जाइए ना, इधर आप फोटो। हाँ थोड़ा पीछे से लेके भी आ जाएगा, लो एक मैंने और छोड़ा कर लिया। ठीक है भैया, हो गया, थैंक यू जी। वैसे आज जो है सकल हिंदू समाज जो है वो खंडवा कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में आया था और जबरदस्त तरीके से नाराजगी दिखाई दे रही है, उबाल दिखाई दे रहा है, किस विषय को लेकर इतना उबाल है? हमारे राष्ट्र अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी जो संपूर्ण राष्ट्र में हिंदुत्व की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं और राजपूत समाज को एक करने में, एक जाजम में लाने में अगर किसी का हाथ है तो वो सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी का है। उनकी निर्मम हत्या जो कल हुई, उनके घर में घुस के और हत्यारों ने उसकी जिम्मेदारी लेने के बाद 12 घंटे हो गए, राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके खिलाफ हम आज कलेक्ट्रेट में आए हैं अपनी बात रखने। गृह मंत्री, भारत सरकार को हमने ज्ञापन दिया है, महामहिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया है कि अभी यह चेतावनी है, आगे आप इस चेतावनी को अगर संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करते हैं, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, आगे जो मध्य प्रदेश और समूचे भारत में जो
आंदोलन होंगे उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी, ये चेतावनी देने आए हैं। कई महीने पहले पंजाब सरकार से इंटेलिजेंस एजेंसी ने राजस्थान की गहलोत सरकार को ये इनपुट दे दिया था कि कहीं ना कहीं इनकी हत्या हो सकती है, उसके बाद भी लापरवाही देखी गई, क्या कहेंगे? देखिए, सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी एक ऐसा चेहरा था राजस्थान की राजनीति में जिन्होंने जो बोला वो करके दिखाया, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां कतई नहीं चाहती थी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी आवाज राजस्थान और पूरे भारतवर्ष में रहे। वो कहीं ना कहीं उनके मंसूबे, जो हमेशा ये चाहते हैं कि गरीब गरीबी रहे और अमीर हमेशा अमीर बनता रहे, ऐसी व्यक्ति जो गरीबों की आवाज उठाने वाला था, गरीबों को ऊपर लाने वाला व्यक्ति था, वो नहीं चाहते कि ऐसा एक सामाजिक व्यक्ति ऊपर आके सर्व समाज की बात करे, इसीलिए उनकी हत्या करवाई। उन्होंने जो है हमेशा सनातन को, गौ माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, और आप भी जो है हमेशा सनातन के लिए लगे रहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सनातन के लिए जो हमारे सुखदेव सिंह जी लगे थे, तो इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति की नहीं, यह उसके विचारों की हत्या है, और इसीलिए आप जो देश भर में ये उबाल देख रहे हैं, ये व्यक्ति व्यक्ति के साथ साथ उसके विचारों का उबाल है, और विचारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। और जब जब विचारों पे इस प्रकार का हमला, कायराना हमला होगा, तब तब समाज ऐसा उठकर खड़ा ही होगा। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जैसा भी बताया गया यहाँ पे कि पूर्व में ही उन्हें सुरक्षा देने की मांग की गई थी, तो इस प्रकार विचारों के लिए जो काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए, और साथ में ही उन विचारों को समाप्त करने में जो लगा है उसके जड़ मूल को भी नष्ट किया जाए, ताकि इस प्रकार के विचारों पर हत्या करने के लिए और भी कोई किसी भी प्रकार की गैंग प्रेरित ना हो। हमेशा उन्होंने जो है मातृशक्ति को आगे बढ़ाने में, उनका मान सम्मान बढ़ाने में राजपूत समाज तो हमेशा से ही रहा है, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप काफी संख्या में मातृशक्ति भी यहाँ मौजूद हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगी इस घटना पर? मातृशक्ति के लिए दादा जो अलग जगह के गए हैं और जो बहनों को बाहर लाए हैं घर से कि बहनें आए और समाज का उत्थान करें और समाज के हित के लिए कार्य करें, तो हम लोग तो बहुत आंसूपूरित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और प्रशासन से निवेदन है कि किसी को भी अगर जान से मारने की धमकी आती है, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे जो या किसी भी सामाजिक संगठन का अध्यक्ष हो, उसको अदरवाइज ना लिया जाए, यानी उस पर कार्रवाई तुरंत की जाए। उसके मरने के बाद आप हमें आश्वासन, अभी भी तो आश्वासन ही दे रहे हैं ना, अभी भी तो हम यहाँ पे मांग करने यही आए ना कि अभी तक तो उनको ढेर कर देना था। आप इतनी बड़ी राजस्थान सरकार हो, चाहे आज किसी भी सरकार में, ये नहीं बोलती यहाँ पे मैं भेदभाव नहीं करना चाहूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें प्रशासन से न्याय चाहिए, उनका एनकाउंटर चाहिए, दादा के हत्यारों को गोली मार के ख़त्म कर देना चाहिए। जिस तरीके से अभी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसमें एक मकराना का एक व्यक्ति और हरियाणा के महेंद्रगढ़ का एक व्यक्ति जिसका नाम नितिन फौजी है और वो फौज में है, फौज से छुट्टी लेके आया हुआ था, उसके द्वारा गोली मारने की बात आ रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत बड़ी साजिश है, और जिस प्रकार से धोखे से दादा की हत्या हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह है। और मैं महामहिम जी और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ और यहाँ से आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि उस गृह की अंतिम पंक्ति में जो उसका गिरोह का सरदार है, उस तक को नष्ट करने का कार्य करें। और इस प्रकार की जो घटना हो रही है, ये आगे इस पे अंकुश लगे। स्थानीय एक भाजपा के विधायक पे भी आरोप कुछ लोग लगा रहे थे जब पहले दिन उनकी हत्या हुई थी, कि भाजपा के स्थानीय लोगों से भी उनकी कहीं ना कहीं एक कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था और उससे रिलेटेड ये जोड़ के देखा जा रहा था, उन पे आरोप लग रहे थे। तो अगर भाजपा का विधायक वहाँ इसमें शामिल मिलता है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक परिवेश है और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर जहाँ तक संस्कृति की बात आती है और धर्म की बात आती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रकार से कोई भी हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई कार्य करे। दादा, इसमें जो है सरकार की अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे कितना संतुष्ट हैं आप, जो कार्रवाई अभी तक हुई है? राजस्थान सरकार को 6 महीने पहले ही सूचित किया गया था और CBI, IB ये सब लोग लगे थे, ऐसे हत्या ऐसे तो नहीं हुई,
छः महीने से उनके घर की रेखी हो रही थी जब सरकार क्या कर रही थी। जब सरकार ने छः महीने पहले से रेखी उसमें कुछ नहीं किया तो अभी तक भी सरकार ने कुछ नहीं किया। 24 घंटे हो गए, इसलिए हम राजस्थान सरकार को सूचना देते हैं कि जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए। निधिराज भाई, खंडवा का जो युवा है वो इस घटना को किस तरीके से देखता है और जिस तरीके का आक्रोश यहाँ देखा गया? बहुत आक्रोश है। आगे क्या लग रहा है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो क्या कर सकता है खंडवा? कार्रवाई अगर नहीं होती तो अगर आंदोलन किया जाएगा और जो भी निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो ये हुआ है उसमें अगर ऊपर से जो भी आदेश आएगा तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और कभी भी जयपुर निकल सकते हैं सर, सबके साथ टीम के साथ में। जैसे आप जो है हाईवे पे बैठे हुए हैं और हाईवे जगह जगह जाम किए गए हैं आज, तो ये जो आगे का आंदोलन है वो हाईवे जाम तक रहेगा या और? नहीं नहीं, ये आंदोलन तो न्याय तक जाएगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन होता रहेगा और ये आंदोलन उग्र होता चले जाएगा। अगर प्रशासन सहयोग नहीं करता तो आंदोलन को और उग्रता से हम आगे ले जाएंगे। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।